मैं मनीष यादव हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं अपने तैयारी से लेकर रेलवे तक का सफ़र आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने 2016 में बीटेक पास आउट हूँ मैं, उसके बाद से ही जस्ट मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 2017 में जब मैंने एसएससी का पेपर दिया था, उसमें मेरे प्री और मेंस में दोनों को मिलाकर 390 मार्क्स थे, और उसके जस्ट बाद मैंने रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम, आरआरबी एलपी और आरआरबी जेई फाइट किए। आरआरबी ग्रुप डी में मेरे 79.6 मार्क्स थे अहमदाबाद से, आरआरबी एलपी में मेरे आरआरबी इलाहाबाद से एलपी में मेरे 77.6 मार्क्स थे, आरआरबी जेई में मेरे 84 मार्क्स थे। फ्रेंड्स, मैं अपना सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। जब मैंने 2017 में एसएससी सीरियल की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं उसी समय मेरा एक नोएडा मेट्रो का भी एग्ज़ाम था, जैसे कि मेरा एक महीने बाद नोएडा मेट्रो का एग्ज़ाम था, उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही एसएससी सीरियल मेंस का एग्ज़ाम था, तो मैं दोनों की ही साथ साथ तैयारी करने लगा। तो जब मैं साथ साथ दोनों की तैयारी करा, दोनों के पेपर भी हुए, लगभग अच्छे ही हुए थे दोनों के पेपर। लेकिन जब रिजल्ट आता है, तब जो है मेरा नोएडा मेट्रो के अंदर प्री और साइको होने के बाद 0.5 मार्क्स से मैं रह जाता हूँ। और एसएससी सीरियल में भी, जैसा मैंने आपको बताया था, मेरे 390 मार्क्स थे, जो कि बहुत ही कम थे, जो कि क्योंकि उस समय 370 कुछ गई थी ओबीसी कट ऑफ, और मेरे कुछ 20 मार्क्स ज़्यादा थे, जो कि सफिशियंट नहीं थे मेरा आगे बढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा 0.5 मार्क्स से उसमें भी रह गया और सीरियल में भी नहीं मेरा हुआ। तो फ्रेंड्स, मैंने उस समय एक डिसीजन लिया कि अब आने वाले समय में मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, या तो एसएससी की करूँगा या फिर रेलवे की। फ्रेंड्स, फिर मैंने 2018 में रेलवे के एग्ज़ाम लगातार सभी में क्वालिफाई किया, एसएससी की तरफ मैंने देखा भी नहीं। फ्रेंड्स, हम में से कई लोग हैं, मेरे जो कई दोस्त हैं, वो एसएससी, रेलवे और बैंक की और काफ़ी अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, उन सब की साथ साथ तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनका, अगर वो साथ साथ तैयारी करते हैं तो उनका किसी में सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, लेकिन जो चीज़ उनको 1 या 1.5 साल में मिल जाएगी किसी एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने से, वो उन सबको सबकी एग्ज़ाम तैयारी करने से 4 या 5 साल बाद मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, सबका जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करूँ रेलवे और बैंक, रेलवे और एसएससी में जो कंपैरिजन होता है, जो एसएससी का बंदा होता है वो जीके इतना अच्छे तरीके नहीं पढ़ता है, केवल काम चलाऊ पढ़ता है, क्योंकि वो मेन फोकस इंग्लिश पर करता है, क्योंकि वो इंग्लिश उसको प्री और मेंस दोनों में काम देती है। लेकिन रेलवे वाले बंदे को इंग्लिश से कोई काम नहीं है, और जीके और जीएस उनको चाहकर या ना चाहकर भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि रेलवे के अंदर मैथ और रीजनिंग तो हर कोई पढ़कर आता है, मैथ और रीजनिंग। लेकिन जीके और जीएस पर जिसकी कमांड अच्छी होती है, वही जो है फाइट करता है एग्ज़ाम को बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर चाहे हम 0.5 मार्क्स से रहें या 1 मार्क्स से रहें या 10 मार्क्स से रहें, हार हार होती है। इसीलिए हमें सिर्फ एक और एक एग्ज़ाम पर फोकस करें तो डेफिनेटली हमें वो 1 या 1.5 साल में पक्का मिल जाएगी। जो चीज़ मुझे 2017 में मिल सकती थी, वो चीज़ मुझे आकर 2020 में मिली है। मेरा 3 साल टोटल लॉस रहा है, क्योंकि मैं डिफरेंट एग्ज़ाम के पीछे भाग रहा था। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आप नए खिलाड़ी हैं, नए कैंडिडेट आए, तो सिर्फ एक ही, या तो एसएससी को चुनिए, या बैंक को चुनिए, या सिर्फ रेलवे को चुनिए। अगर आप तीनों के पीछे भागेंगे तो आपको लगने वाला समय बहुत ज़्यादा होगा, और काफ़ी देर बाद आपको सक्सेस मिलेगी लगातार मेहनत करने के बाद। और यही चीज़ अगर आप एक एग्ज़ाम के पीछे भागें, तो वो आपको 1 या 1.5 साल में पक्का मिल जाएगी। जैसा मुझे 1 साल के भीतर 3-3 एग्ज़ाम को मैंने रेलवे के 3-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। तो फ्रेंड्स, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बस मेहनत करते रहिए, करते रहिए और करते रहिए। जो आप आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, कल हैं और वो परसों नहीं रहेंगे, और आपका दिन पर दिन आप निखरते जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं रेलवे की तैयारी करता रहा था, तो मेरा जो है यही मानना है कि मैथ और रीजनिंग तो लगभग सभी बच्चे पढ़ के आते हैं, और सबकी अच्छी कमांड उन दोनों सब्जेक्टों पर होनी भी चाहिए। लेकिन जो जीके और जीएस
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको पढ़ने का तरीका होता है वो कभी भी ऑब्जेक्टिव किताबों से कभी भी प्रेफर मत करना। ऑब्जेक्टिव किताबों से हमेशा जीके को पढ़ने का तरीका होता है, चीज़ों को आप सिर्फ लिंक करते रहिए। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि आपने ट्रांसपोर्ट कोई टॉपिक पढ़ा, उसके आप पहले आप रोड पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो है वाटरवेज पढ़ेंगे, उसके बाद आप एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में चीज़ें आप सीधे उनको लिंक करते रहेंगे कि पहले मैंने रोड के बारे में पढ़ा, फिर मैंने वाटरवेज के बारे में पढ़ा, फिर मैंने एयरपोर्ट के बारे में पढ़ा, जो भी उनके मेन पॉइंट है, तो आप उनको ईजिली रिकॉल कर सकते हैं और जो है ईजिली रिविजन कर सकते हैं। जीके का सबसे बेहतर तरीका होता है थोड़ा पढ़ना और ज़्यादा रिविजन करना। डेली रिविजन करो, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे जीके में, क्योंकि रेलवे के अंदर जीके और जीएस जिसकी जितनी अच्छी होगी वो उतना ज़्यादा स्कोर करेगा। क्योंकि जो है आरआरबी एएलपी का भी जो पेपर हुआ था उसमें आपने देखा होगा जो 12th बेसिस पर एग्जाम हुआ था टेक्नीशियंस का, उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 84 और 85 प्लस सभी रीजन की रही थी जो जनरल और ओबीसी के रहे थे। 100 में से 84 मार्क्स और 85 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये आप तभी गेन कर सकते हैं जब आप हर सब्जेक्ट पर अपनी कमांड अच्छी रखेंगे, मेनली जीके और जीएस पर। क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग इतना हार्ड एवरेज लेवल आता है, इतना हार्ड नहीं आता है, ना ज़्यादा हार्ड आता है ना ज़्यादा एवरेज आता है, ठीक आता है, आप आराम से कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग, केवल आपकी जीके और जीएस पर कमांड हो रेलवे के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि आप सिर्फ एक और एक एग्ज़ाम पर फोकस करें, क्योंकि हमारा जो समय है वो बहुत कीमती है। हम डिफरेंट एग्ज़ाम के पीछे पढ़ते हैं तो हम जो हमारा जो सक्सेस रेट होती है वो 3 या 4 साल बाद मिलती है हमको। तो फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल हो। धन्यवाद। और जो भी फ्रेंड्स को मेरी वीडियो पसंद आई हो वो लाइक करे और कमेंट में बताए कि हाँ भी वो मेरी बात से सहमत है। थैंक यू।